देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध। सपा नेता के घेर में चल रहे गोकशी के गोरख धंधे पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 6 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 अभियुक्त मौका देखकर फरार हो गए। भागे गए आरोपियों में से सपा नेता व कीरतपुर नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से गोकशी करने के तमाम उपकरण और भारी मात्रा में मीट बरामद किया है तथा अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। दरअसल जनपद बिजनौर के कीरतपुर थाना क्षेत्र के सपा नेता वर्तमान में कीरतपुर नगर पालिका के चेयरमैन अब्दुल मन्नान के घेर में चोरी छिपे से चल रही गोकशी पर आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी मारी। छापेमारी में पुलिस ने मौके से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चेयरमैन अब्दुल मन्नान सहित 4 अभियुक्त भागने में कामयाब हो गए। पुलिस की छापेमारी में मौके से गोकशी करने के उपकरण तमंचे सहित भारी मात्रा में गाय का मीट बरामद हुआ है। बिजनौर SP धर्मवीर सिंह ने बताया कि कीरतपुर नगर पालिका के चेयरमैन अब्दुल मन्नान के घेर में गोकशी का यह धंधा चल रहा था, जिस पर आज पुलिस ने कार्यवाही की। SP ने बताया कि सभी को सख्त कार्यवाही के घेरे में लाया जाएगा और सभी पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही होगी। फिलहाल पुलिस सपा नेता कीरतपुर नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन अब्दुल मन्नान सहित 4 आरोपियों की तलाश सरगर्मी से हो रही है और गिरफ्तार किए हुए 6 आरोपियों को जेल में भेजने की कवायद भी है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए बिजनौर से सलीम अहमद की रिपोर्ट। थाना कीरतपुर में गोवध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ है। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 4 अभियुक्त भागने में सफल रहे, जिनमें प्रमुख रूप से अब्दुल मन्नान जो मौजूदा चेयरमैन हैं, अतीक कुरैशी, वासिद और फरीद। एक घटना अब्दुल मन्नान के बाघ आवली घेर में हुई थी। 12 जानवर जो बछड़े, गाय आदि थे, भैंस कटरे थे, इनके कब्जे से तमंचे बरामद हुए हैं और चापर, रस्सी, छुरी आदि बरामद हुए हैं। गोवंश के अवशेष भी बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं